नमस्ते चिबाई खुलम खा टू एवरी वन मैं आज आपसे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा आई वांटेड टू टॉक टू यू आई वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज टू यू टू ऑल माई डियर तिपरासा पीपल टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा हमारे लोगों को मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि हमें फाइट करना पड़ रहा है हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ स्पेशली जो हमारे तिपरासा लोग हैं जो आज कष्ट में है देखिए हमारा इतिहास क्या है यह हमारा राज्य था यह हमारा जमीन था आज इसी जमीन में पिछले पचास साठ साल से लोग आए रोज आ रहे हैं आज भी आ रहे हैं और हमें अपना ही राज्य में आज हमारा महा माइनॉरिटी हो गया है तिपरा सा लोग सब जगह में है ऐसा नहीं है कि तिपरा सा लोग सिर्फ त्रिपुरा में है जो लोग बॉर्डर के उस पार भी है मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह भी आपका जमीन है दिस इज योर लैंड और हग, अगर हमने सब लोगों को आने दिया है त्रिपुरा में तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप आइए और त्रिपुरा में अपना और हिंदुस्तान में अपना भविष्य बनाइए कब तक आप बॉर्डर के उस पार रहेंगे हाउ लॉन्ग विल कीप ऑन फाइटिंग हमें भी एक बात समझना चाहिए डेमोक्रेसी में नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है नंबर नहीं रहेगा तो कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा आज अगर उत्तर प्रदेश पूरा हिंदुस्तान का भविष्य बना सकता है वो इसके लिए है क्योंकि उनके पास संख्या है हमारे पास संख्या कम है तो जो लोग आज भी बांग्लादेश में हैं जो तिपरासा के कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा आप आइए कम ओवर ग्राउंड टॉक टू द गवर्नमेंट एंड अपने जो तिपरासा लोग जो अभी भी है वहां में उनको भी लेकर आइए हमने सबको जगह दिया है ये जमीन आपका है ये हिस्टोरिकल जगह आपका है शुड बी वेलकम मैं जानता हूं कि आज भी हमारे लोग बहुत कष्ट में बाहर में हैं और अगर आप आएंगे तो मैं अपनी तरफ से फुल हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपका जिंदगी आपके बच्चे का जिंदगी अच्छा रहे फाइट करना पड़ेगा जिंदगी आसान नहीं है जिंदगी में अगर आप हार मान जाएंगे तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहता गुलामी रहता है मैं जानता हूं कि अब थोड़े दिन पहले आ, शायद किसी ने कहा था कि महाराजा मैं हाउसवाइफ हूं मुझे नमक खरीदना पड़ता है मुझे बच्चे के बारे सोचना पड़ता है मैं आपका दर्द आपका बात को समझता हूं और मैं स्वीकार भी करता हूं कि आप अपने एरिया में आपका जो प्रॉब्लम है उसको आपको सर्वाइव करना पड़ता है मैं मानता हूं लेकिन आप मेरा पोजीशन भी समझ लीजिए सब लोग कहते थे कि महाराज आप तिपरासा के लिए फाइट क्यों नहीं करते हो आप बाहर रहते हो आप नेशनल पार्टी में रहते हो आपने तिपरासा के बारे क्यों नहीं फाइट किया आप महाराजा बीर विक्रम के नाती हो आज जब मैं फाइट कर रहा हूं अपने तिपरासा के लिए कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं अपने तिपरासा के अधिकार के लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन का राइट्स के लिए तो अगर आप आज मुझे कहेंगे कि आप कमजोर हो जाओ तो राजा राजा का कर्तव्य नहीं निभाएगा मैं जहां में हूं मैं अपना काम कर रहा हूं अगर आपको तकलीफ है आपको लगता है कि अगर आपका इमीडिएट प्रॉब्लम घर में खाना हो आपका इमीडिएट प्रॉब्लम नमक हो आपका इमीडिएट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप कीजिए मैं उसमें आपके लिए हिचकिचाहट नहीं करूंगा यह आपका अधिकार है आप कीजिए मैं आपको कंट्रोल नहीं करना चाहता हूं लेकिन जहां में मैं हूं जिस परिवार से मैं आता हूं मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अपने लोगों को हेल्प करूं और अगर मेरा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनता है तो उससे मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं होगा मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा आपके घर में जलेगा आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा आज मेरा कोई परिवार नहीं है मेरा कोई बच्चा नहीं है तो मैं ये क्यों कर रहा हूं मैंने अपना शरीर को क्यों कमजोर किया तबीयत खराब रहता है मां से दूर रहता हूं लेकिन मुझे भी कभी लगा कि मैं अपने लोगों को कुछ दूं और इसके लिए मैं आज फाइट कर रहा हूं आपका मैसेज मैंने सुना मैंने गौर भी किया बहुत लोग आपको आपके खिलाफ भी बोल रहे थे मैंने उनको कहा सब मत कीजिए वो उनका व्यू है सबका एक राय होता है उनका व्यू है रहने दीजिए मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में ने कहा कि वो ठीक है जिंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है आप भी मां हैं, आप भी पिताजी हैं आपका भी परिवार है अगर आज आपने अपने बारे सोचा और छोटे चीज के लिए आपने अपने बच्चे का भविष्य को बेच दिया तो एक दिन वही बच्चा आपको पूछेगा कि मां बाबा आपने कमजोरी क्यों दिखाई आज मेरा भविष्य खतरे में है अगर हम सब अपने बारे ही सोचेंगे और अपने फैमिली के अपने बच्चे के बारे नहीं सोचेंगे उनका भविष्य के बारे नहीं सोचेंगे तो आज हिंदुस्तान को आजादी भी नहीं मिलता यही फर्क होता है एक रेवोल्यूशनरी में एक कमिटेड लीडर में और एक मामूली सा व्यक्ति जो राजनीति में आकर अपना घर का चूल्हा के बारे सोचता है आपको डिसाइड करना है कि आप पॉलिटिक्स में घर के चूल्हे के लिए आए हैं या अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं आपको लास्ट uh, में दो तीन चीज और कहना चाहता हूं हमारे तिपरासा लोगों को कि हमारा जो आंदोलन है और आज हमारे भाषा खतरे में है लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन नॉट टेल द तिपरासा पीपल That you have to write in this script. You are nobody to ask us to do this. You can request us, you can give us options, but you cannot bully us. I know that many people, this is not a Tiprasa Bengali fight. This is what leaders are doing to divide the community. I appeal to all the well meaning,

तो हमारे बच्चे आज एग्जाम्स में परीक्षा में पास होकर कल उनका रिजल्ट अच्छा निकलेगा कल उनको नौकरी मिलेगा कल उनका भविष्य अच्छा बनेगा अगर आज हमारे बच्चे लोग क्योंकि दे के नॉट राइट इन अ स्क्रिप्ट स्टार्ट फेलिंग देन कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा हमारे लोग गरीबी रहेंगे ये ना इंसाफी है और इस ना इंसाफी को अगर आपको खत्म करना है तो आपको बड़ा होकर दिल बड़ा करना पड़ेगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्यों फाइट करना चाहते हैं आज सब पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं लेकिन वही पॉलिटिशियन असेंबली में कहता है कि नहीं आपको इस स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखना पड़ेगा आपने अपने बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है आपका बच्चा तो इंग्लिश लिख रहा है और जब हम लोग के बच्चे गरीब लोगों के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना चाहिए तो आप उनको रोकना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग शिक्षित हो उनका भविष्य अच्छा हो आप चाहते हैं कि हम हमेशा नीचे रहे दबाया जाए और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं और इसी के लिए वो जो महिला ने मुझे कहा था कि महाराज मुझे नमक के बारे सोचना पड़ता है जिंदगी में दो प्रकार के लोग होते हैं एक जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है और दूसरा जो अपने अधिकार को भूलकर अपने बारे सोचता है आज के लिए अगर हमें आज कमजोर हो अगर आज हम कमजोर हुए इफ आर वीक टुडे टुमोरो इज नॉट योर्स सत्तर साल से हम लोग कमजोर थे लोग आते रहे हमारे देश में हमारे राज्य में क्या मिला क्या मिला इसके लिए आई एम अपीलिंग टू एवरी वन एक जगह में हमें अपना पोजीशन रखना चाहिए कोई भी हो और दिल्ली में भी आपको ये लोग इज्जत ज्यादा करेंगे अगर आप जहां में खड़े हैं वहां में रहिए एंड अगेन आई एम टेरिंग टू ऑल माई पीपल जो लोग बाहर हैं कम बैक टू त्रिपुरा त्रिपुरा इज योर्स आप कहीं में भी हो डेमोक्रेसी में नंबर ही मान माना जाता है अगर आप बांग्लादेश में हो आइए ये आपका देश है डेमोक्रेसी में आप शामिल होइए और आपको सम्मान जगह सब दिया जाए हमने सबको जगह दिया है हमने सबको इतना जगह दिया कि आज हम अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो गए ठीक है मैं समझ सकता हूं तो आज हम क्यों नहीं फिर अपने लोगों को जगह दे आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज फाइट फॉर यू एंड फाइटिंग डज नॉट मीन फाइटिंग एंड शूटिंग एंड वायलेंस फाइट यहां से भी किया जा सकता है क्योंकि अगर आपका दिल साफ हो तो यू कैन ऑलवेज फाइट धर्म के नाम में और सरनेम के नाम में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ये देश हम सबका है हम देश को प्यार करते हैं वी लव इंडिया वी विल वी आर इंडियंस एंड एज इंडियंस वी विल कीप ऑन आस्किंग फॉर वॉट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान सबसे ऊंचा है और हम संविधान को मानकर अपने अधिकार के लिए शांति से लेकिन बिना हिचकचाहट हम लोग फाइट करेंगे और जो लोग बोलते कि महाराज गिव अप करो आप ही ने एक बार कहा था कि आप बाहर रहते हो हमारे बारे सोचते नहीं हो आओ हमारे लिए फाइट करो जब आज मैं फाइट कर रहा हूं आपके लिए तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों फाइट कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज करो गिव अप कर दो भाई आपने मुझे बुलाया था हमारे लोगों के लिए फाइट करने के लिए मैं सब छोड़कर आपके लिए फाइट कर, करने के लिए आया और आज आप ही मुझे कहेंगे कि छोड़ दो कॉम्प्रोमाइज कर दो गिव अप कर दो तो मेरा क्या मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे कम्युनिटी के लिए हमारे दोफा के लिए जो लोग मुझे समझते हैं वो समझेंगे जो लोग नहीं समझते हैं वो समझ के भी नहीं समझेंगे मैं उनको बात नहीं कर रहा उनके लिए बात नहीं कर रहा

अगर मैंने आज कुछ गलत कहा है तो मैं माफी मांगता हूं लेकिन अगर आप जानते हैं कि मेरा दिल साफ है और मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं तो आप मुझे महाराजा होकर सपोर्ट मत कीजिए इसके लिए सपोर्ट कीजिए कि ये आदमी सच्चा बन के लड़ रहा है ये आदमी पैसे के लिए नहीं फाइट कर रहा है यह आदमी अपने लोगों को कुछ देना चाहता है सम्मान देना चाहता हूं मैं अपनी कम्युनिटी को किसी को नीचे दिखाना नहीं चाहता हूं अपने लोगों को ऊपर रखना चाहता हूं प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड बेलाई बेला बेलैन हम बाय हर हरकहाम